तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल का एक आपको गैजेट के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल का एक आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। आप देख रहे होंगे यार ये है क्या, पर बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है, कैसे इसको यूज़ करेंगे आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है केबल प्रोटेक्टर। आप देख रहे होंगे इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ये चीज़ मिल जाती है। आप देख रहे होंगे आपको बहुत सारे ये यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है क्या चीज़ दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं केबल प्रोटेक्टर। आप देख रहे होंगे इसको केबल प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब ये यूज़ क्या होता है और कैसे इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, आपको पता होगा या फिर आपने देखा होगा, आपके पास देखा होगा कि आपका मोबाइल चाहे नया हो या आपने अभी लेटेस्ट लिया हुआ है, उसका चार्जर आप देखेंगे चार्जर की जो वायर है ऐसी ही ख़राब होती जाती है। आप देख रहे होंगे ऐसी ये ख़राब हो जाती है। जितने ज़्यादा आप इसको बेंड करेंगे उतना ज़्यादा वो वहाँ से ख़राब होता जाएगा और धीरे 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 वो पूरी वहाँ पर ख़राब हो जाएगी। इससे क्या होता है, इसकी जो लाइफ है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। दोनों तरफ से होता है, या अप हो या डाउन हो, जितनी बार ये बेंड होगा उतनी बार आपकी यहाँ पर ये ख़राब हो जाती है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो इसी के लिए है केबल प्रोटेक्टर। वो कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपनी एक केबल के अंदर उसको ऐसे राउंड करके यहाँ पर ये लगा देना है। आप देख रहे होंगे ऐसे राउंड करके आपको ये अपनी केबल के अंदर लगा देना है। इससे क्या होगा, ये आपकी केबल अब मुड़ेगी नहीं। जब भी आप उसको बैंड करेंगे वो ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। आप देख रहे होंगे जब भी आप इसको बैंड करेंगे वो ऑटोमेटिक अपनी पोजिशन पर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये केबल प्रोटेक्टर काम करता है। आपको उसको लगाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से ये जो लगाने का तरीका दिया हुआ है आपको बस यहाँ से उसको ऐसे यहाँ से इनरोल करना है। फर्स्ट तरफ से आपको एक स्टेप ऐसे लगा देना है और उसके बाद आपको यहाँ से घुमा के उसको ये लगाते जाना है। और एक बार जब आप लगा देंगे वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा और वो वहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से लग जाएगा और जब भी आप इसको बैंड करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका ये प्रोडक्ट खड़ा हो जाएगा। या बोल सकते हैं आपकी जो केबल है यहाँ पर काम सही करेगी, ख़राब नहीं होगी कोने से और आपके चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा कभी कभार तो ये यहाँ से बिल्कुल सही रहती है पर तब भी आपकी चार्जिंग केबल काम नहीं कर रही, क्योंकि जितनी बार ये मुड़ती जाएगी अंदर की जो केबल है वहाँ से ब्रेक हो जाती है और उसके चक्कर में वो वर्क नहीं करता। तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, अपने जितने भी आपके चार्जर हैं उन चार्जर में आप ये इसको लगा सकते हैं। एक तरफ तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, जो चार्जिंग पॉइंट होता है, जो मेन चार्जिंग पॉइंट होता है उस जगह पे आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको उस जगह इसको लगा देना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और इसकी जो कीमत है ना बहुत नॉमिनल है। अगर आप इसको अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा मिलेगी, 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ के रेट में आपको वहाँ पर मिलेगी। इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, जाके आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन है आप इसको ऑफलाइन मार्केट या हो सकता है अपने लोकल मार्केट से लेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। 10 या 20 रुपये में आपको ये चार बोले तो दो सेट मिल जाएंगे और इसको आप अपने केबल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इसी का रिव्यू करा, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स या नई टेक रिव्यू के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।